वर्ल्ड कप फीवर शुरू हो गया है और उसी के साथ शुरू हो गए हैं बोर्ड एग्जाम और एज यूजुअल हमारे क्रिकेट क्रेजी स्टूडेंट्स बीच मझधार में फंस गए हैं। जी हाँ, क्रिकेट वर्सेस स्टडीज। सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके बड़े भी काफी परेशान हैं सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए। क्या कोई बीच का रास्ता है? वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चलिए पूछते हैं वाइजे फैज से। Not much help. This is put away. Good use of the feet, taking the ball on the full. क्रिकेट वर्ल्ड कप मतलब शोर, एक्साइटमेंट और पार्टी, और दूसरी तरफ बोर्ड एग्जाम्स, शांति, कंसंट्रेशन और पढ़ाई। अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो कितनी बड़ी क्लैश होती है, और ये साल यही हुआ है। टेन के बोर्ड और ये साल का विश्व कप दोनों ये साल साथ में, आप टेन के बच्चों के लिए क्या एडवाइस देंगे? उनको भी टाइम टेबल बनाना चाहिए कि ये टाइम पे पढ़ाई करनी है, मैच को थोड़ा बीच बीच में देख लेंगे तो भी चलेगा। मेरे ख्याल से तो ज्यादा करके बच्चे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये परेड में तो नहीं होना चाहिए। और ये वर्ल्ड कप होना चाहिए तो मार्च या अप्रैल में कभी होता तो काफी अच्छा रहता। हो गई बात हमारी चिंतित माता पिताओं से, मगर अब है बारी हमारे बिंदास यूथ से बात करने की। आइए उनसे पूछते हैं कि ये साल का विश्व कप उन्हें कैसे असर करने वाला है। अभी तो पढ़ाई करेंगे तो फिर थोड़ा हॉलीडे मिलेगा तो फिर वर्ल्ड कप भी देख सकते हैं। हाँ वही, अभी क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम में अभी कुछ दिनों की छुट्टी भी है बीच बीच में, तो उसमें क्या हम वर्ल्ड कप के लिए टाइम निकालेंगे? वर्ल्ड कप चालू होने की वजह से हमारा मतलब पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी स्ट्रेसफुल फॉर स्टूडेंट्स, बट ड्यू टू द क्रिकेट वर्ल्ड कप द शेड्यूल वुड बिकम टाइटर। अगर वर्ल्ड कप देखना है तो पढ़ाई पूरा खत्म करके फिर वर्ल्ड कप देखो। इस क्लैश ऑफ द टाइटंस ने तो स्टूडेंट्स के लिए एक गंभीर समस्या और पेरेंट्स के लिए एक चिंता का विषय बना दिया है, मगर थोड़ी समझदारी और थोड़ी सूझबूझ से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये जंग जीत सकते हैं। मेरी तरफ से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इस बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और इंडियन क्रिकेट टीम को ऑल द बेस्ट। दिस इज वाईजे फैज खान साइनिंग ऑफ फॉर यंग जर्नल।